नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनू। बुरहानपुर में एक बार फिर ताप्ती नदी अपना रौद्र दिखा सकती है। इससे पहले इसी सीजन में तीन बार ताप्ती नदी अपना रौद्र रूप दिखा चुकी है। बुरहानपुर में मंगलवार रात भर कभी तेज तो कभी रुक रुक कर रिमझिम बारिश हुई है। इसके अलावा एक दिन पहले बैतूल जिले में स्थित पारसडोह डैम के चार गेट खोले जाने से भी ताप्ती का जलस्तर बढ़ा है। ताप्ती का खतरे का निशान 220.800 मीटर है। इससे पहले एक बार यह 225 मीटर तक पहुंच गई थी। तब भी बैतूल के पारसडोह डैम से 165 क्यूमैक्स पानी छूटा था। अब फिर चार गेट खोले जाने का असर दूसरे दिन देखने को मिल रहा है। वही देर रात से हो रही बारिश के कारण भी बुरहानपुर में ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। यह खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। ताप्ती नदी के राजघाट स्थित दो मंदिर सुबह 11 बजे आधे से भी ज्यादा डूब गए हैं, जबकि एक मंदिर पूरी तरह डूबा नजर आ रहा है। पानी पुराने पुल के करीब पहुंच गया है। वहीं सहायक अधीक्षक भू अभिलेख खुमान सिंह चौहान के अनुसार जिले में इस साल 1 जून 2022 से अब तक 680.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसमें 9 अगस्त 2022 के अनुसार बुरहानपुर में 17.5 मिलीमीटर, नेपानगर में 8.0 मिलीमीटर तथा खकनार में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जबकि पिछले साल इस अवधि में बुरहानपुर में 264.5 मिलीमीटर, नेपानगर में 310.8 मिलीमीटर तथा खकनार में 354.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। बुरहानपुर जिले में 26.77 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि 16.77 इंच बारिश होना चाहिए थी। यह 160% अधिक है। इस साल बुरहानपुर से सटे पड़ोसी जिले खंडवा में भी अच्छी बारिश हुई है। अब तक यहां 24.21 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि 18.50 इंच बारिश होनी थी। 131% बारिश अधिक हुई है। असल में मानसून की ट्रफ लाइन नलिया अहमदाबाद से लेकर इंदौर, मंडला, रायगढ़ और निम्न दाब के केंद्र से होते हुए उत्तरी अंडमान सागर तक फैली है। इस कारण प्रदेश में बारिश हो रही और अगले दिन भी प्रदेश में तेज बारिश होती रहेगी। वर्तमान में तटीय उड़ीसा के पास बहुत ज्यादा लो प्रेशर एरिया भुवनेश्वर के पश्चिम उत्तर में सक्रिय है। यह आज से थोड़ा कमजोर होकर छत्तीसगढ़ की ओर विस्थापित होने की संभावना है। मानसून ट्रफ नलिया अहमदाबाद से लेकर इंदौर, मंडला, रायगढ़ और डिप्रेशन के केंद्र से होते हुए उत्तरी अंडमान सागर तक फैला है। गुजरात तट से केरल तट के समांतर अपतटीय ट्रफ भी सक्रिय है।